नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खम्बागिरी, राम राम साहब, सभी को ऑल गेम मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं दिल्ली से सीनियर जर्नलिस्ट आर राजगोपालन सर। और मुझे पिछली बार ना बहुत लोगों ने कहा, मैम आप अन्ना मत बोलिएगा, ही इज वेरी एल्डर टू यू। सो आई वाज लाइक ओके, तो आई आई कॉल सर, आई वाज लाइक सर लोग बोल रहे हैं अन्ना नहीं बोलने के लिए, सर ने कहा अन्ना नहीं बोलना, पेरी अन्ना बोलना, सो दैट मीन्स एल्डर बेद ब्रदर, अन्ना, बेद अन्ना, पेरी अन्ना मीन्स एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर। ठीक है, नो सो प्रॉब्लम। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। आज के बहुत जो स्कूप्स हैं, दे आर वेरी एक्सक्लूसिव एंड दे आर गोइंग टू बी रैपिड फायर राउंड। सर स्टार्ट करते हैं मोदी और राहुल गांधी की पैरेलल विजिट यूएसए को। जी सर, यूएसए के ये ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों को, गायत्री देवी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं हमेशा, आपने तो इस बार भूल गया है, मुझे चिढ़ाया नहीं आपने तो श्लोक पढ़ाने के लिए, चाहिए नहीं चाहिए? नहीं, सर बिल्कुल चाहिए, प्लीज हाँ स्टार्ट हाँ सर। हाँ 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 वो पंच शांति करके बोलते हैं तमिल में, संस्कृत में है वो शांति, ओम शांति। सो देयरफॉर शांति के लिए है, सन्नो विष्णु प्रजन्य सन्न इंद्र, सन्न इंद्रो बृहस्पति, सन्नो इंद्र बृहस्पति, लाइक दैट। यू नो वी प्रे फॉर द शांति ऑफ द वर्ल्ड पीस। व्हेन राहुल गांधी इज ट्रेवलिंग अब्रॉड, एज यू सेड यूएसए, वी वॉन्ट दैट प्रेयर टू रीच द माइंड सेट ऑफ मिस्टर राहुल गांधी, टू हैव अ पीसफुल माइंड। मिस्टर राहुल गांधी इन फॉरिन कंट्री शुड नॉट बी सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज डेमोक्रेसी हैज वन। अभी तो इंडिया में तो डेमोक्रेसी वापस आ गया है, राहुल गांधी को उधर विदेश जा करके चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो शांति मंत्र मैंने पढ़ लिया मैडम, ओम सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रभाद, लाइक दैट। यू नो यू स्टे फॉर द पीस ऑफ द वर्ल्ड, सो लेट राहुल गांधी हैव अ पीस ऑफ माइंड। आपने तो कहा मुझे फोन में, वो सीएए कनेक्शन क्या है मैडम इसमें? तो रुचि जी आपने तो डाल दिया, लेकिन मुझे जू जू हो रहा है, क्या है आप बता दीजिए मुझे, मैं विस्तार से और भी बोलना चाहता हूँ। आज कुछ पिछले कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि सीआईए बहुत ज्यादा इंटरवीन करने की कोशिश कर रही है भारत के अफेयर्स में। एरिक गारसाथी जो कि यहाँ के अम्बेसडर हैं, ही सपोज टू बी अ हैंड एंड मतलब एक्सटेंडेड आर्म ऑफ सीआईए। अभी जिस तरीके से वो महाराष्ट्र में फूड फेस्टिवल पे जा रहे हैं, बॉलीवुड के लोगों से मिल रहे हैं, क्रिकेट के लोगों से मिल रहे हैं, लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है बहुत जल्दी। बिकॉज जब भी यूएस एम्बेसडर हमारे ओपोनेंट से मिलता है ना, उसके 2-3 महीने बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। और पैरेलली मोदी के जाने से पहले अचानक राहुल गांधी यूएसए क्यों जा रहे हैं? उनकी नानी तो इटली में रहती हैं। जी सर, नानी तो ये अभी तो जिंदा नहीं है ना जी, वो तो जाने की जरूरत नहीं है। इटली इटली में प्रॉपर्टी वगैरह होगा शायद, जा रहे हैं, लेकिन उधर जा करके इनको ब्रदर इन लॉ वगैरह से भी मिलता नहीं है, जुलता नहीं है। वो लोग लंदन आ जाते हैं, लंदन एनी हाउ, मुझे आप पर्सनल इश्यू में नहीं जाना चाहते हैं। राहुल गांधी का विदेश यात्रा का ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गया है। आपने तो सीएए बोल दिया मुझे, एकदम आईएसआई केजीबी सारी की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज राहुल गांधी विजिट के ऊपर ध्यान रखते हैं, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी भी ध्यान रखेंगे। लेकिन राहुल गांधी अंदर जा करके सच्चाई से दूर है, जो अनशंट बात बोलते रहते हैं, डेमोक्रेसी खत्म हो गया इंडिया में, बोलने का फ्रीडम नहीं है। लेकिन कैसे कर्नाटक जीता है आपने, तो फ्रीडम नहीं है, आपने पाद यात्रा किया फ्रीडम से। सो देयरफॉर राहुल गांधी आप जा करके सावधान से बोल दीजिएगा, लेकिन इसको पीछे पर्दा को पीछे एक दो डेवलपमेंट है मैडम, मैं बोल दू बता दू इन दर्शकों का। सो प्लीज बता दीजिए, लोग बहुत डिस्टर्बिंग वेट कर रहे हैं। सैम पेट्रोडा ने 80 साल का बुजुर्ग आदमी जॉर्ज सोरेस से मिल गया था। जॉर्ज सोरेस आज नहीं तो कल तड़प रहे, उनकी जो जिंदगी से मौत से लड़ रहे हैं, 90-95 साल का है जॉर्ज सोरेस, उनसे मिस्टर 80 साल का मिस्टर सैम पेट्रोडा का कोई संबंध है? समथिंग समथिंग इज देयर। सो संजय प्रियदर्शनी भी बोल रही है, अगेन वेल प्लान स्ट्रेटेजी ऑफ सारोस गैंग, गैंग नहीं है ये सॉन्ग है, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन है ये। सो देयरफॉर राहुल गांधी का विजिट के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। आपने ठीक कहा है, नरेंद्र मोदी साहब जाने के पहले ये क्यों जा रहे हैं? मुझे लगता है ये टूल की तैयार हो रहे, आपने एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है ये, इसके लिए जा रहे हैं। बस कर्नाटका में जीत गया, विदेश में जा करके कुछ कमाई है, एटीएम एटीएम बोल रहे थे, ये तो एफटीएम है, फॉरिन एनी टाइम फॉरिन मनी।
एटीएम नहीं है, एएफएम एनी टाइम फॉरेन मनी है ये। तो देयरफॉर नरेंद्र मोदी तीसरा बार सत्ता में नहीं आना है 2024 में, इसको रणनीति शुरू कर रहे हैं एक साल पहले बहुत ही जगह से। मैंने पिछले हैंगआउट में पी गुरु साहब सी अय्यर के साथ ऑस्ट्रेलिया से मुझे खबर मिली थी, मैंने सितंबर अक्टूबर में भी कह दिया साहब को, वो अब बात में 2023 में महीने में 8 महीने के बाद में उसी का दोहरा आ रहा हूँ। क्या है गायत्री देवी, आपका दर्शकों का अल्टरनेट मीडिया दर्शकों का एक साफ साफ बताना चाहता हूँ, 8 देश 8 कंट्रीज इंडिया के खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी ने उसको चूना लगा दिया है। आत्मनिर्भर भारत बोल करके जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, कोरोना टाइम पर फाइजर से नहीं लिया, फाइजर को कांग्रेस ने समर्थन कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने लोकली आदर पूनम वाला का बंगलुरु में कोई है उसको दोनों को करके 35,000 करोड़ रुपया दे करके 250 करोड़ इंजेक्शन लगा दिया एंटी कोरोना कोविशील्ड कोवि वैक्सीन करके। इसीलिए विदेश फार्मास्यूटिकल कंपनी लोग नरेंद्र मोदी से नफरत है, वो चाहते हैं नफरत के रूप में फॉरेन मेडिसिन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, दे वांट नरेंद्र मोदी शुड बी डिफीटेड। दूसरी है आर्म्स डीलर्स, ये सारा खत्म होना चाहते हैं आर्म्स डीलर्स, कह रहे नरेंद्र मोदी तो जो सबमरीन इंडिया में बनने शुरू कर दिया आत्मनिर्भर भारत बोल के। सो देयरफॉर जितना भी है विदेश का ताकतवर, कौन सी 8 कंट्रीज है? One is USA, second is... नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हमने ये हमारा इंटरनल रिलेशनशिप को खराब हो जाएगा, लेकिन 8 देश है। मैं एक चीज, मैं हवा नहीं बोल रहा मैडम, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों को मैं अंधेरा में नहीं रखना चाहता हूँ, मेरा पास कागज है, 8 कंट्री का नाम है, IB रिपोर्ट है, RAW को रिपोर्ट है। नॉट ओनली दैट मैडम जी, ये देखिए ये किताब भी निकाल दिया है, इसमें एकदम बड़ा सा ये किताब में है, मैं सारा चीज इसी से बोल रहा हूँ। 8 कंट्री का इंडिया नजर रखे हुए हैं। मुझे एक ही चीज है, अमित शाह साहब क्यों ये 8 कंट्री का पर्दा नहीं पास कर रहे हैं? ये अमित शाह का ड्यूटी है, केंद्रीय गृह मंत्री का, राजगोपाल का, गायत्री देवी का, इस बीच में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तब हम लोग को मिल रहे हैं रिपोर्ट, सरकार के पास तो रिपोर्ट है, राहुल गांधी क्या क्या कर रहे सरकार के पास रिपोर्ट है, किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में ओपनली बोल दिया है हमारा पास रिपोर्ट है करके, भाई उसको तो खुलासा करो। RAW रिपोर्ट, राहुल गांधी का विदेश यात्रा के ऊपर 248 विदेश यात्रा के ऊपर रिपोर्ट है, इतनी मोटी रिपोर्ट है, वो क्यों नहीं दे रहे? राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अभी राहुल गांधी जाएंगे CII से मिलेंगे और उसके 2 से 3 महीने बाद आप कहीं ना कहीं शाहीन बाग जैसा आप प्रोग्राम देखने के लिए रेडी रहिए। किसान आंदोलन शुरू हो जाएगा, सतपाल मलिक शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे लोग शुरू हो जाएगा, जो बतकल करके कर्नाटका में उधर पाकिस्तान का फ्लैग चला रहा है अभी यंगस्टर्स कर्नाटका में, वो कर्नाटका में शुरू हो जाएगा। देखिए कर्नाटका में SDPI शुरू हो गया, केरला में PFI है, तमिलनाडु में SDPI है। सो एकदम कांग्रेस जिधर जिधर है उधर SDPI शुरू हो रहे। करेक्ट, जहां आप व्हाट अ ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल जहां जहां कांग्रेस है वहां मुस्लिम दंगे, वहां SDPI, मुस्लिम नहीं बोलेंगे मैडम, मुस्लिम नहीं बोलेंगे, PFI का दबदबाव है, SDPI का दबदबाव है, उसमें कांग्रेस पीछे है। राइट, हम दूसरा टॉपिक जाएंगे मैडम, इससे हम दूसरा टॉपिक निकल जाएंगे। जी सर, क्योंकि क्योंकि हमारा पास आज 5 स्कूप है, 5 स्कूप है, 5 जल्दी जल्दी बोलना चाहता हूँ, उतना मेरा बस ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। सर ऑस्ट्रेलिया में एक और बड़ा फेस ऑफ हुआ, बाइडेन बैक ऑफ कर गए, पहली बार ऐसा हुआ है कि बाइडेन ने अपनी ट्रिप कैंसिल की है। जी सर, अल्टरनेट दर्शकों को अभी वेडनेसडे 17 मार्च 11:45 हो रहे, इस समय ऑस्ट्रेलिया में शाम को 3 बज रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, बीडन साहब से मिल करके बात करने वाले थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पोर्शन का कैंसिल कर दिया बीडन सुबेरे, एक स्टेटमेंट व्हाइट हाउस ने निकाला है, उसमें ऑस्ट्रेलिया में इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं क्योंकि चाइना के ऊपर दबदबाव है। ये क्वाड मीटिंग एंटी चाइना मीटिंग है, उसको भड़काना नहीं चाहते हैं क्योंकि यूक्रेन में सूडान में कुछ डेवलपमेंट्स आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी साहब जाने के बाद
विश्व गुरु करके हम लोग दबदबाव में है, नरेंद्र मोदी के बात सुन रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी बायलैटरल विजिट के चालू रखेंगे, कैंसिल नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी साहब परसों सवेरे जापान जा करके, ऑस्ट्रेलिया जा करके, पापुआ न्यू गिनी जा करके वापस आएंगे 23 तारीख सवेरे। सो देयरफॉर ऑस्ट्रेलिया में क्वाड मीटिंग कैंसिल हो गया थोड़ी देर पहले, उसे कोई मतलब नहीं निकलते हैं। बिडेन साहब को इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत है उस यूएसए में, बाइडेन को काफी प्रॉब्लम चल रही है, उनकी रेटिंग सबसे लो है इस वक्त वर्ल्ड में, एंड ही डजंट नो व्हाट टू डू। ऊपर से चाइना का प्रेशर भी उधर से माउंट कर रहा है, बिकॉज चाइना के हाथ में बहुत सारी कुंडली है, जो बाइडेन की जो हंटर बाइडेन के बेटे सॉरी जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन की कुंडली चाइना के पास में है। जी सर, सेकेंड स्कूप। नाउ नेक्स्ट स्कूप सर, जो की बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लवली है, उससे पहले मैं एक क्या बोलूंगी, मैं एक ब्रेक थ्रू सर, जो अभी नाम अनाउंस होने वाला है एक एक मीडिया से हम लोग कंपटीशन करते हैं, यूट्यूब टेलीविजन से कंपटीशन शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद इंडिया में जितना भी टेलीविजन, निजी टेलीविजन है, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, न्यूज एक्स, नो रिपब्लिक, आज तक, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, टीवी 9 नवभारत, टीवी 9, टाइम्स नाउ, नवभारत, टीवी 9 भारतवर्ष, जितना भी चैनल है, 1600 चैनल से भी आगे हम एक ब्रेकिंग न्यूज देने वाले हैं थोड़ी देर में। इंडिया में न्यू दिल्ली में कर्नाटका का मुख्यमंत्री घोषणा करने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहे हैं। दाएं बाएं में एक सिद्धरमैया इधर, शिवकुमार इधर, तीनों हाथ उठाएगा, एक पिक्चर और आधा घंटे में देखने वाले हैं। हम ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, मिस्टर सिद्धरमैया इज गोइंग टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। हम दूसरा सब्जेक्ट में जाएंगे मैडम जी। सर डीके जाते जाते सर डीके शिवकुमार का क्या होगा? बैंड बजाएगा बाद में, सचिन पायलट हो जाएगा उधर, टी ए सिंहदेव हो जाएगा। वो तो कांग्रेस में तो गुट का कोई कमी नहीं है ना जी, क्योंकि ये सोनिया गांधी मैडम तो शिमला में बैठती है, इंडिया दिल्ली में नहीं है। प्रियंका गांधी गर्मी निकाल रहे उधर, सर्दी में जा करके खड़े हैं। सिर्फ राहुल गांधी इधर है, वो विदेश जाने की तैयारी में है। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर भी एक और स्कूप है, आप इसको खत्म करके तीसरा में जाएंगे जी। बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है जी ये। जी सर, गेम में चला रही हूँ, हमारा पार्लियामेंट से रिलेटेड स्कूप है, बहुत सारे इसके प्लान आउट होने शुरू हो गए हैं। लेट मी जस्ट प्ले इट एंड देन वी स्टार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा है, बढ़िया है। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत कंग्रेचुलेशंस गायत्री जी, बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया बनाया सर। इसमें गायत्री देवी जी अल्टरनेट मीडिया लोगों को एकदम छोटा टेलीविजन बना दिया आपने तो, एकदम म्यूजिक म्यूजिक डाल करके बढ़िया बना दिया। इसी से 3-4 ब्रेकिंग न्यूज उभर करके आ रहे हैं। मई महीने 28 तारीख ये पार्लियामेंट बिल्डिंग शुरू हो रहे हैं, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन होने वाले हैं। मई 28 तारीख संडे है, उसमें कम से कम आप बता दीजिए न्यू ड्रेस कोड वगैरह वगैरह, आपके पास खबर है, मैंने भी भेजा है उसको, आप दर्शकों को हिंदी में समझा दीजिएगा प्लीज। सर नया ड्रेस कोड आएगा और 16 कैटेगरीज का होगा, इसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडेड है। द स्वीटेस्ट पार्ट इज कि इसमें अभी तक जो डिसाइड हुआ है उसमें जो पगड़ी होगी मेन के हेड पे, आदमियों के पुरुषों के सर पे, वो मणिपुर स्टाइल में होगी। दैट इज द स्वीटेस्ट पार्ट। इसको एमआईएफ भी डिजाइन कर रहा है और पूरा कौन डिजाइन कर रहा है, कौन डिजाइन कर रहा है? NIFT, National Institute of Fashion Technology, वो गुजरात में है, गुजरात में है, National Institute of Fashion Technology, दिल्ली में भी है उसको ब्रांच। वो बहुत सुंदर से तरीका से कलर स्कीम
बॉडी का कपड़ा क्या है, टोपी क्या रखना है, पगड़ी क्या रखना है, वो लोग अच्छा समझ के। सेम NIFT टीम तो नरेंद्र मोदी साहब का रिपब्लिक डे परेड में, इंडिपेंडेंस डे परेड में क्या क्या टोपी पगड़ी पहनना है वो सेलेक्ट करते हैं नरेंद्र मोदी का। उसी कंपनी का, उसी इंस्टीट्यूशन का ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। बहुत बढ़िया आपने बोला है, नया पार्लियामेंट का रूप बहुत बदलने वाले हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि अभी तक एज सच ट्रेनिंग नहीं होती थी, जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते थे अपॉइंट होते थे, आते थे, ब्रीफ अप होता था, बट एज सच कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी। अब इन सभी की जो ट्रेनिंग होगी वो भारतीयता के हिसाब से होगी, ट्रेनिंग ऑफ ऑल स्टाफ अबाउट बिहेवियर, वर्क एथिक्स एंड फेमिलियराइजेशन विद द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये नए पुरानी बिल्डिंग में नहीं हो रहा है, सारा का सारा नई बिल्डिंग में हो रहा है, और सब कुछ भारतीयता के हिसाब से एवरीथिंग। इनफैक्ट जो मैंने वीडियो आपको अभी दिखाया उसमें आपने टॉप नोटिस किया है, लोटस शेप में जो डिजाइन किया गया है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कांग्रेस को बहुत बड़ी मिर्ची लगने वाली है कुछ एक डिजाइन से। नहीं, और भी मिर्ची लगने वाले हैं, आप बता दीजिए, मैं और मिर्ची के लिए बोल दूंगा, कांग्रेस इस फंक्शन में ज्वाइन नहीं करेगा। मेरा बात ऐसे एक मसाला मिर्ची है सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया एस्ट्रोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज कहा जाता है मोदी जी बहुत मानते हैं इन चीजों को, मतलब ये क्या बोलते हैं जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम उसके हिसाब से, वास्तु शास्त्र के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से उसकी डिजाइन, उसकी ओपनिंग, उसकी सर बाकी की चीजें आप बता दीजिए बिल्डिंग के बारे में। 100 साल तक ये पार्लियामेंट का कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, अर्थक्वेक भी आने दो, 6.8, 7.8 को भी अर्थक्वेक आने दो, तकड़ा, इतना तकड़ा फाउंडेशन डाला है। लेकिन आपने तो मिर्ची लगेंगे करके एक लफज बोल दिया, मेरा ऊपर मिर्ची चढ़ गया। मैं 28 तारीख संडे क्यों स्पेसिफिक दिन है मैडम, कुछ पता है आपको? दर्शकों को कमेंट सेक्शन में लिखने तो बोल दूंगा, नहीं तो हम खुलासा कर देंगे उसको। दैट इज द डे कांग्रेस वाज फॉर्मड, इफ आई एम करेक्ट, 28 दिसंबर। नहीं, उसमें उसमें राहुल गांधी का नफरत नहीं होगा ना जी, ये कर्नाटका में हारने के बाद नरेंद्र मोदी ने पंगा ले रहे इन लोगों से, दो चीज तो पंगा ले लिया, एक तो CBI डायरेक्टर कर्नाटका कैडर को डाल दिया, और DK शिव कुमार को पीछे पड़ेगा। सो ये 28 तारीख मई महीने में क्यों महत्व है? उस दिन वीर सावरकर का बर्थडे है। Wow, that point I missed it. हाँ, 28 तारीख को। And 9 साल खत्म हुआ है नरेंद्र मोदी का, 10वां साल में एंटर कर रहे हैं। On the top of it, May 1993 15 तारीख यानी परसों, 25 साल हो गया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस स्थापना करके। सो NDA को भी स्थापना दिन उस दिन, सारा मिक्स हो गया, एवरीथिंग इज सेम में मिक्स हो रहे हैं। सो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करके उस दिन 28 तारीख NDA को 25 साल खत्म हो रहे, इसीलिए तो दे हैव डन इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, दैट इज व्हाई नरेंद्र मोदी वेटेड फॉर दिस डे। अभी दूसरा सब्जेक्ट में जाएंगे जी, वो बहुत ही सेंसेशनल न्यूज विच यू एंड मी आर गोइंग टू डिबेट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर आप इतने स्कूप्स लेके आते हो, मैं नेक्स्ट स्कूप भूल गई, कौन सा है नेक्स्ट स्कूप? ये राहुल गांधी का पेंशन देने वाले हैं ओम बिरला, महीने में 55,000 रुपया दे रहे हैं, क्योंकि एक MP पद से राजीनामा देने के, रिजाइन करने के बाद, नहीं तो पद छोड़ने के बाद, नहीं तो हारने के बाद पेंशन पेपर शुरू हो जाएगा। राहुल गांधी का पेंशन पेपर तैयार है, ओम बिरला साहब को ऑफिस में पड़ा है, वो 55,000 रुपया डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में राहुल गांधी का अकाउंट में वो सीधा पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के पिताजी ने तो कहा है जो 1 रुपया में 85 कमीशन लेते हैं करके, लेकिन राहुल गांधी आपको 55,000 रुपया पूरा पहुंच जाएगा, कोई कमीशन बीच में नहीं लेगा, DBT डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में, बिल्कुल अच्छा है मुझे लगता है मैडम जी। मुझे 55,000 रुपया का विवरण गायत्री देवी आपको दर्शकों को मैं बताना मेरा कर्तव्य है। 1, राहुल गांधी का पेंशन 55,000 रुपया, उसको मकान छीन लिया करके बोल रहे, लेकिन मकान जाना स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से उनको पद गया है MP पद, क्योंकि उन्होंने माफी मांगने का मना कर दिया है, केस चल रहे हैं गुजरात हाई कोर्ट में, इसको बीच में मुझे लगता है 55,000 रुपया को फर्स्ट, राहुल गांधी 20 साल MP रह चुके हैं,
फर्स्ट 5 ईयर्स का 25,000 रुपया दे रहे, और फर्दर एक एक साल का 2,000-2,000 रुपया, यानी 15 साल का 30,000 रुपया, फर्स्ट 5 ईयर्स का 25,000 रुपया, सो टोटल मिल करके राहुल गांधी विल बी रिचर बाई 55,000 रुपीज। ये मकान खाली करने के बाद ये पेंशन ले रहे, पेंशन नहीं लेगा, पेंशन को छोड़ देगा, पेंशन को स्वीकार करेगा, भगवान जाने। अभी ओम बिरला साहब उसको सेक्रेटेरिएट, लोकसभा सेक्रेटेरिएट चिट्ठी लिखने वाले हैं इसको साथ, हम और एक दो स्कूप तोल करके हमारा खत्म कर लेंगे, क्योंकि 12 बजे टाइम्स नाउ में मुझे बुलाया है फॉर सिद्धारमैया नरेशन के लिए, शो में ज्वाइन करना है। दर्शकों को अगले बार आते वक्त सेम 5 स्कूप में बता दूंगा, ये तो 5वां स्कूप सचिन पायलट के ऊपर है, लेकिन उसको पहले एक रहस्य में बोलूंगा, आपको कान से बोलूंगा, पब्लिक नहीं सुनना चाहिए, स्लोली बोलूंगा, मैंने स्लोली बोलूंगा वो चीज है। आज कैबिनेट मीटिंग हो रहे हैं, यूनियन कैबिनेट मीटिंग, वो फर्स्ट मीटिंग आफ्टर कर्नाटका रिजल्ट्स, नरेंद्र मोदी कम से कम कैबिनेट मीटिंग होने के बाद मिनिस्टर से कुल्लम कुल्ला कुछ ना कुछ बात करेंगे, उनकी माइंड बता देंगे। हमेशा नरेंद्र मोदी लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं, किसी को दुख पहुंचाते नहीं है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का आपको याद होगा PSLV श्रीहरिकोटा तमिलनाडु में, उधर जो रॉकेट जल रहे थे, रॉकेट बीच में बाहर आ गया है, बीच में गिर गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने शिवा करके सिवन उसको इसरो चेयरमैन का गले पकड़ करके उसको आंसू पोंछा था, याद है ना आपको। सिमिलरली नरेंद्र मोदी कैडेट्स का वो जो उनकी एम्प्लॉयज का मानसिकता उद्वेग करने के लिए, मानसिकता का भड़काने के लिए, उनके जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल भड़काने के लिए करते हैं। सो देयरफॉर नरेंद्र मोदी साहब कैबिनेट मिनिस्टर्स को एंकरेज करेंगे। दूसरी चीज है, इसके साथ में फाइनल ब्रीफिंग खत्म कर देंगे स्कूप में, जिस दिन कर्नाटक का चुनाव हुआ उस दिन रात को 11 बज के सामने एक बड़ा सा उच्च स्तर मीटिंग हुआ था। किधर हुआ था, कौन कौन आए थे, मैं नहीं बताऊंगा। 5 लीडर्स थे बीजेपी का, 5ों लीडर्स डिसाइड करके 2024 के छोड़ेंगे नहीं करके एक शपथ लिया है। वो मीटिंग के डिटेल्स मुझे पता है, लेकिन बोलने का स्थिति पर मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो अभी कल परसों बीजेपी खुद खुलासा करेगा। Therefore, सर, मैं नाम लूं, आप हाँ या ना कर दीजिएगा, मैं नाम ले लेती हूं। नहीं, ये ठीक है, जो आप स्पेकुलेशन कर लीजिए, मैं नहीं बोल, मैं चुप रहूंगा। वो 5 नाम, एक तो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, स्टालिन, गहलोत, कमलनाथ। नहीं 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 नहीं, मैं रूलिंग पार्टी को कह रहा, बीजेपी को कह रहा। अच्छा, ओके। सर ना बॉस, सर हम अगली मीटिंग तक मैं सर से वो बात निकलवा के रखूंगी, तब तक पब्लिक भी हो जाएगा, डोंट वरी। सर नेक्स्ट, सचिन पायलट। सचिन पायलट का एक रूप है, एक रीजनल पार्टी चालू करने वाले हैं खुद शायद, क्योंकि मुझे खबर सुन रहे हैं। मैं उसको ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों को ब्लैकआउट नहीं करना चाहते हैं। राजस्थान से, जयपुर से एक खबर सुबेरे निकली है, मुझे SMS विस्तार से आया है, मैं उसको पढ़ करके भी सुना दूंगा, अंग्रेजी में है, लेकिन उसको मूल मंत्र ये पॉइंट ये है, सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं। अभी राहुल गांधी, खड़गे, वेणुगोपाल कोई बात नहीं कर रहा उनसे, क्योंकि उसको दरकिनारे कर दिया। अशोक गहलोत का तो ATM है, एनी टाइम मनी है अशोक गहलोत इज ATM, एनी टाइम मनी, अशोक गहलोत ATM। देयरफॉर सिद्धारमैया PayTM, पे एनी टाइम। सो कांग्रेस को तो रूप बदलने वाले हैं। सो मुझे लगता है सचिन पायलट का आने वाले दिन में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल शायद संगठन फ्लोट करने का भी मन पर इच्छुक है। ये कितना दूर तक, कितना देर तक खींचेगा, भगवान जाने। जी बिल्कुल सर, इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं। जाते जाते मैं एक न्यूज जो हमारी रह गई थी, और क्योंकि आज सर थोड़ा सा जल्दी में अचानक से, बिकॉज ऑल द सीक्वेंस हैज चेंज्ड, पार्लियामेंट के जो बिल्डिंग है ये एस्ट्रोलॉजिकली डिजाइंड है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से पुरानी बिल्डिंग को इंक्लूड किया हुआ है। इसमें 3 द्वार है, सर ने खुद बताया था मुझे, और अभी थोड़ा जल्दी में इसलिए, शक्ति द्वार, कर्म द्वार
और ज्ञान द्वार, और ये सारे जो द्वार हैं अलग अलग लोगों के लिए हैं, कैटेगराइज किए हुए हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। बहुत सारे लोग बोलते रहे कि इसमें 1000 करोड़, रफली 1000 करोड़ खर्च करने की क्या जरूरत थी, तो मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में इतना बताना चाहूंगी, पुरानी बिल्डिंग के पेपर्स में मिल नहीं रहे थे, 100 साल पुरानी बिल्डिंग है रफली, 95 ईयर्स, उसके बिल्डिंग के पेपर्स नहीं मिल रहे थे, उसमें जो इन्होंने रेनोवेशंस की हैं, दोज रेनोवेशंस हैव नॉट बीन सॉलिडली सॉलिड नहीं थे, क्योंकि फाउंडेशन का पता नहीं है कितना स्ट्रेंथ है नहीं है, जिस चीज के आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, डेटा नहीं हो, आप उसको कैसे चेंज करोगे, आप उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाओगे। दूसरा, इसमें स्पेसिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, जब भी ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग्स होती थी तो 200 अलग से कुर्सियां लगानी पड़ती थी, मिनिस्ट्रीज के लिए जगह नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत रिडंडेंट हो गया था, बाथरूम्स वगैरह लीक करने लगे। मैडम जी, जितना भी है, मुझे एक चीज है, हमीद अंसारी साहब जब चेयरमैन राज्यसभा थे, राज्यसभा के नीचे एक नाला चल रहा है, एक बदबू फोड़ रहा है, एकदम नाला है, सीवरेज नाला है, वो बाथरूम का बहुत सारा उसमें पेशाब को स्मेल आ रहा है, रेणुका जल्दी पुरानी जाकर के चले, पुराना बिल्डिंग हो गया, 100 साल का पुराना बिल्डिंग, सारा पाइपलाइन टूट गया, सपोज उसको रिपेयर करने लगे, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी ने किया, शानदार बिल्डिंग शुरू किया है, 1000 करोड़ रुपया का बहुत सुंदर बिल्डिंग है, लेकिन इतना करने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी का संजय सिंह और कांग्रेस का लोग टेबल में जा करके नाचने वाले हैं, क्योंकि वो सोच रहे 2024 में सत्ता मिल रहे, लेकिन इस पार्लियामेंट बिल्डिंग पर अटेंड करेगा नहीं करेगा भगवान जाने, क्योंकि राहुल गांधी तो विदेश जा रहे हैं, राहुल गांधी एमपी है नहीं है, देखा जाएगा, पर वेट एंड वॉच, लेकिन बिल्डिंग तो शानदार बिल्डिंग है मैडम, जिंदाबाद है जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग आज सर, बहुत रैपिड फायर राउंड में थे, नेक्स्ट टाइम थोड़े से रिलैक्स वे में जुड़ेंगे जाने से पहले, लेकिन हमको 8 SMS आ गया बीच में बात करते करते, इतना मशहूर अल्टरनेट मीडिया लोगों के लिए इतना प्यार हमारा ऊपर, आपको ऊपर, मेरा ऊपर दे रहे हैं दर्शकों का, वो सबको प्रणाम करते हुए अगले हफ्ते वेडनेसडे इतना टाइम पर, लेकिन गायत्री देवी ने मुझे एक चीज और बोला, सर आगे से लाइव नहीं करेंगे, रात को 8:30 बजे छोड़ दीजिएगा हमारा वीडियो का, शानदार करेंगे एडिट करके, देयरफॉर नेक्स्ट वीक तक नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, थैंक यू सर।